फोटो कोई दिया ही ऐसे कपल्स को कहना चाहूंगी कि वो निराश ना हो और सब आके हमारे IVF फैमिली से जुड़े और अच्छे से ही प्यारी सी बच्ची की फिलकारी को महसूस करें। एक साल हो गया, कितने लगभग आपके IVF में अब तक बच्चों की संख्या? 1.5 साल के अंदर 5 बेबी हुए जिसमें कि 3 यहाँ पे हमें प्रेजेंट हैं और 2 आ नहीं पाए क्योंकि बच्चे थोड़े से सिक हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनके घर में। और उसके अलावा एक दूसरी विधि जो होती है IUI, उससे तो हर मंथ कोई ना कोई बेबी सक्सेस हो रहा है, उससे 12 के ऊपर ही पर मंथ पर ईयर हो रहे हैं। और IVF में, प्योर IVF में 4 बेबी इस समय ये सारे जितने प्रेजेंट हैं वो हैं और अभी चल रहे हैं फ्यूचर वाले, वो अगले साल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और उम्मीद करिए कि ये हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ती जाएगी लगातार, हर साल नई तरक्की होती है। जो लोग संतान नहीं होती, वो लोग बाहर के रास्ते से लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, जो यहाँ आशीर्वाद हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं, कितने सबकी इसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये सेंटर का शुरुआत किया, जिससे कि जो पेशेंट हमारे नॉर्मल पद्धतियों से नहीं सफल हो पा रहे थे उनको हमें बाहर भेजना पड़ा था और उनका चार्ज डबल हो जा रहा था। तो हमने कोशिश करके कम से कम लागतों में IVF वाले चिकित्सा पद्धति से इन लोगों को लाभ देने के प्रयास किया। रोल जी, आज हम सब यहाँ पे वर्ल्ड IVF डे सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए और आज के दिन मैं अपने सभी आशीर्वाद फैमिली के सफल कपल्स का और सारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ कि 25 जुलाई का दिन एक IVF की उसमें नया क्रांतिकारी दिन था। इसी के दिन लुईस ब्राउन नाम वाले बेबी का, फर्स्ट IVF बेबी का जन्म हुआ और उसके बाद से दिन पे दिन वैज्ञानिकों ने नई नई खोज करके इस पद्धति में नए नए आविष्कार करते गए। और आज के दिन जितने भी ये जो दंपति नेचुरल रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्रांतिकारी दिन है, क्योंकि सारे जब विधि फेल हो जाती है तो IVF से उन बच्चों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। और मैं सभी ऐसे कपल्स को कहना चाहूँगी कि वो निराश ना हो और सब आके हमारे IVF फैमिली से जुड़े और अच्छे से ही प्यारी सी बच्ची की फिलकारी को महसूस करें। एक साल हो गया, कितने लगभग आपके IVF में अब तक बच्चों की संख्या? 1.5 साल के अंदर 5 बेबी हुए हैं जिसमें कि 3 यहाँ पे हमें प्रेजेंट हैं और 2 आ नहीं पाए क्योंकि बच्चे थोड़े से सिक हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनके घर में। और उसके अलावा एक दूसरी विधि जो होती है IUI, उससे तो हर मंथ कोई ना कोई बेबी सक्सेस हो रहा है, उससे 12 के ऊपर ही पर मंथ पर ईयर हो रहे हैं। और IVF में, प्योर IVF में 4 बेबी इस समय ये सारे जितने प्रेजेंट हैं वो हैं और अभी चल रहे हैं फ्यूचर वाले, वो अगले साल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और उम्मीद करिए कि ये हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ती जाएगी लगातार, हर साल नई तरक्की। जो लोग संतान नहीं होती, वो लोग बाहर के रास्ते से लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, जो यहाँ आशीर्वाद हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं, कितने फैसिलिटियाँ? इसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये सेंटर का शुरुआत किया, जिससे कि जो पेशेंट हमारे नॉर्मल पद्धतियों से नहीं सफल हो पा रहे थे उनको हमें बाहर भेजना पड़ा था और उनका चार्ज डबल हो जा रहा था। तो हमने कोशिश करके कम से कम लागतों में IVF वाले चिकित्सा पद्धति से इन लोग को
लाभ देने की प्रयास किया।